सॉलिड स्टेट जो हमने कल शुरू किया था लेसन, उसमें हम आज पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक है, तो इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अपन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ेंगे, तो क्योंकि जो भी अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट मिले और आप लोगों जो इंग्लिश मीडियम में हो तो है. तो इसमें हम एक टेबल जैसी बना लेते हैं, जैसे बुक में आपको टेबल नहीं बनी हुई है बट अपन एक टेबल बना लेते हैं. तो इसमें क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यानी कि आयन हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, तो उनका क्या है, डेफिनेट अरेंजमेंट होता है अंदर ही. ठीक है, तो वो अच्छे से इस हिसाब से जमे रहते हैं ताकि उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जमाव एक निश्चित होता है, उनका अरेंजमेंट एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है. और जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें जिस भी चीज़ के वो बने रहते हैं यानी कि जिन भी तरह के कंपाउंड के या जिस भी मटेरियल के वो बने रहते हैं उनका कोई जमाव निश्चित नहीं होता है. और फिर नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या आ जाएगा कि इनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, क्योंकि जो अंदर के पार्टिकल्स हैं जिनसे ये बने हुए हैं अगर उनका अरेंजमेंट डेफिनेट है, निश्चित है, तो नेचुरली बाहर की जो स्ट्रक्चर होगी है ना वो भी निश्चित होगा. तो इसका मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री निश्चित होती है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इसके एग्जांपल में पहले आपको बता देती हूँ जिससे कि आप कंपैरिजन कर सको अपने दिमाग में कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अब कांच है, सॉलिड है, लेकिन क्रिस्टलाइन तो नहीं है. इसी तरह से डामर है ना, वो भी ऐसे ही है. चपड़ी है जिससे अपन कई बार आपने देखा होगा वो चिपकाते हैं कोई सील करनी हो कोई चीज़, तो एक रेड कलर का जो आता है. इसी तरह रेजिन्स वगैरह होते हैं जो काम आते हैं, तो वो सब क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड तो है. कांच को क्या कहोगे आप, सॉलिड कहोगे ना, तो सॉलिड तो है लेकिन वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, क्योंकि वो जिस भी चीज़ का बना है उनका अवयवों का जमाव निश्चित नहीं है, उनका जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट नहीं है. तो ये इसलिए इनकी ज्योमेट्री भी, बाहर की ज्योमेट्री वो भी निश्चित नहीं होती है ना. कांच की सब तरह की चीज़ें मिलती हैं, आप जैसे चाहो उसको मोल्ड कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो उसकी कोई डेफिनेट अरेंजमेंट उसमें नहीं मिलता. इसी तरह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निश्चित होते हैं, किनके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के. सभी के आपको पता है कि भाई इनके डेफिनेट जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जिस गलनांक जिसमें वो मेल्ट होते हैं वो निश्चित होता है, और क्वथनांक जिसपे वो मेल्ट होकर के बॉइल होने लग जाते हैं वो भी निश्चित होता है, जबकि इनमें निश्चित नहीं होता. जैसे कांच है तो आपको पता है कि पहले हम छोटे थे तो मालाएं बना देते थे, टूटी हुई चूड़ी होती इसको मोमबत्ती ली उसको ऐसे करके बीच में से मोड़ा, फिर दूसरी चूड़ी को उसमें डाला, फिर उसको मोमबत्ती पे लगा के मोड़ा, तो ऐसे कांच की पूरी माला बन जाती है ना. इसी तरह से हम लैब में भी ये काम करते हैं. कैसे करते हैं, जैसे हमें CO2 गैस निकलती है वो वास्तव में CO2 गैस है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, ये है ना, जो भी अपना लाइम वाटर होता है उसमें उसको पास करते हैं. उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, राइट एंगल से मुड़ी हुई एक ट्यूब चाहिए होती, तो उसको हम लैब में ही बना लेते हैं. हमारे पास लंबी सी ट्यूब है उसको जरा सा बर्नर पे हम क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, तो मुड़ करके और हमारी राइट एंगल ट्यूब बन जाती है, और उसको और आगे से मोड़ दो तो पूरी इस तरह की एक ट्यूब हमें मिल जाती है जिससे कि इधर से गैस निकली उधर पास हो गई, तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये हमारी CO2 गैस है. तो ये क्यों हो सकता है, क्योंकि वो हम वो जो कांच है वो जब अपन जो जिस भी टेम्परेचर पे उसका जो पिघलने का टेम्परेचर है उस पर पिघल जाता है, और मोल्ड हम कर सकते हैं उसको, ठंडा होने पर वापस ठंडा हो जाता है. तो उसको इसलिए आपको कल भी मैंने शायद आपको बताया था कि इसलिए इनको हम सॉलिड्स न कह करके क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स यानी कि अतिशीतित द्रव, ये हम उसको बोलते हैं. ठीक है, तो ये बात हुई. अब फिर उसके बाद कूलिंग कर्व्स आ गए. कूलिंग कर्व्स यानी कि उनके जो शीतलन वक्र वो असतत या डिसकंटिन्यूस होते हैं, किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के. इसका एक कारण है जो कि हम कूलिंग कर्व आपको बताएंगे उसके, उससे उसको समझाएंगे. और यहाँ पर कंटिन्यूस होते हैं यानी कि सतत होते हैं, किसके, नॉन क्रिस्टलाइन, जो अक्रिस्टलीय पदार्थों के कूलिंग कर्व जो है वो असतत होते हैं. वो भी अभी हम देखेंगे आगे, क्योंकि ये समझाने की वाली बात है, उसको और डिटेल में समझेंगे अपन. उसके बाद आता है आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी. तो यहाँ पर भी आप कंफ्यूज होंगे कि भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो तो एनआइसोट्रोपिक होना चाहिए, है ना, या आइसोट्रोपिक होना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या है, एनआइसोट्रोपिक है. क्या है, एनआइसोट्रोपिक, जो जबकि होना चाहिए अपने हिसाब से. अपन सोचते हैं कि भी जब इसमें सब चीज़ें सिमेट्रिकल हैं तो यहाँ पे एनआइसोट्रोपिक क्यों है, है ना, यहाँ पे ये विषम दैशिकता क्यों है. ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम दैशिकता.
और इसको कहते हैं समदैशिकता। तो जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें तो समदैशिकता पाई जाती है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें विषमदैशिकता पाई जाती है, यानी कि इनमें एनआइसोट्रॉपिक, इसमें आइसोट्रॉपिक। इनको हम अलग से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे इसमें तो एग्जांपल कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ले लो, NaCl ले लिया, जिसमें आपको पता है Na प्लस और Cl माइनस से बना हुआ रहता है, ठीक है। KCl ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी आयनिक सब्सटेंस लो जिसके कि क्रिस्टल होते हैं, K प्लस Cl माइनस, ठीक है, CaCl2, CaCO3, इसमें कार्बोनेट आयन, ये प्लस टू, ये माइनस टू, तो इस तरह के ये सब इसके एग्जांपल हैं जो भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के। और नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में ग्लास है ना, डामर, रेजिन, ये सब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है। और इनकी एक और भी बात है कि इनके कोऑर्डिनेशन नंबर भी फिक्स होते हैं, इनकी समन्वयी संख्या, यहाँ पे लिखेंगे हम समन्वयी संख्या इनकी निश्चित होती है, समन्वयी संख्या, या हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका फिक्स होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का कोई मतलब ही नहीं होता, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयी संख्या नॉट प्रेजेंट, नॉट फिक्स्ड। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये आप लोग पढ़ चुके हैं, कि जैसे आपने, क्योंकि NaCl का क्रिस्टल तो आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, 10th क्लास से पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको पता है कि एक Na प्लस जो है वो 6Cl माइनस से गिरा है, और एक Cl माइनस है वो 6Na प्लस से, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 6 होगी, है ना। Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसी तरह से अलग अलग शेप के जो होते हैं, जैसे कि मान लो कोई टेट्राहेड्रन है ना, चतुष्फलकीय कोई क्रिस्टल है, तो उसमें एक जो आयन है पॉजिटिव है, मान लो एक पॉजिटिव आयन है, वो 4 नेगेटिव आयन से गिरा रहता है, ठीक है, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 हो गया, तो 4, 6, 8, कहीं कहीं 5, इस तरह से उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, तो वो या समन्वयी संख्या जिसको बोलते हैं, तो ये इनकी निश्चित होती है और इनकी निश्चित नहीं होती है, ठीक है। अब आती है बात अपनी, जो दो चीज़ें आपने पूछी, आपका क्वेश्चन था कि भाई ये विषमदैशिकता और ये समदैशिकता क्या होती है, आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी। अब यहाँ पर आपको देखो, क्योंकि ये डायग्राम्स दे रखे हैं तो मैं आपको उसी से समझा सकती हूँ कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि क्रिस्टल की स्टडी किससे की जाती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी होती है, एक्सरे विवर्तन चित्र आते हैं उसके, डिफ्रैक्शन को कहते हैं हिंदी में विवर्तन, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी आती है, तो जैसे टू डायमेंशन वो मोस्टली छोटा क्रिस्टल होता है, इसका भी कारण आपको पता होगा कि छोटा क्रिस्टल क्यों होता है, क्योंकि वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके कई बार तो उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वही खत्म हो जाता है, तो उसकी साइज छोटी हो जाती है, जबकि जो नेगेटिव आयन बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो ऐड होने से कई बार उसका एक ऑर्बिट बढ़ भी जाता है, या फिर जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, रिपल्शन बढ़ने से उसकी वो हो जाती है, साइज बढ़ जाती है ना, रेडियस उसका इंक्रीज हो जाता है, वो एनलार्ज हो जाता है, तो ये बड़ा वाला मान लो ये सीएल बना है, तो ये इस तरह से जैसे बुक में बने हुए हैं, तो ये मान लो कोई भी एक प्रकार का आपका आयन है, तो दूसरे प्रकार का इसी के साथ होगा, ठीक है, फिर ये तो ये फिक्स अरेंजमेंट है हमारा, ठीक है, और छोटा अपन बना लेते हैं इसको, तो ये एक फिक्स क्रिस्टल का अरेंजमेंट हो गया। अब क्या होगा, मान लो हम कोई इसमें प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं, डिफ्रेक्टिव इंडेक्स मेजर कर, तो हम यहाँ से ये डालेंगे, तो मान लो ये यहाँ से निकली ए टू बी, ठीक है, या यहाँ से हमने एक ग्रे डाली ए टू बी, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे आपकी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से टकराती हुई ये किरण निकलेगी, है ना, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, और एक जगह से और से निकालेंगे वहाँ भी ऐसा ही होगा, क्यों, क्योंकि इनका अरेंजमेंट फिक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिक्स होने से एक गड़बड़ क्या होगी, कि यहाँ जो एक बार ये होगा तो कई बार ऐसा भी होगा कि भी ये मान लो ये सिर्फ एक नेगेटिव से ही टकराता हुआ जाए, अब यहाँ पे आए ओनली नेगेटिव, ठीक है,
सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, और यहाँ पे जाएंगे सिर्फ, कई बार ऐसा होगा जैसे यहाँ से निकाले ये, तो अब क्या हुआ, सिर्फ पॉजिटिव आए। अगर यहाँ से निकाले तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया, कोई रे ऐसी भी आएगी जहाँ सारे के ये सारे नेगेटिव आ गए यहाँ पर, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमने निकाला तो क्या आएगा, अलग अलग आ सकता है अलग अलग दिशाओं से, ठीक है। लेकिन अगर एमोर्फस जो क्रिस्टली सब्सटेंस है जिसमें कोई अरेंजमेंट निश्चित नहीं है, जैसे मान लो ये हमारा क्रिस्टल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे रैंडम अरेंजमेंट है ना, डिसकंटिन्यूस, कुछ भी कहीं भी कोई भी चीज़ आ गई, कोई भी मटेरियल आ गया, और ये दूसरा पार्टिकल है यहाँ आ गया, दूसरी तरह का पार्टिकल है ना, क्योंकि जो भी अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं भी है तो भी उसमें दो तीन तरह के पदार्थ हो सकते हैं, है ना, जिसकी शेप और साइज अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि अरेंजमेंट निश्चित नहीं, तो यहाँ से कहीं से भी आप किरण गुजारोगे या एक्सरे निकलेगी, तो सब जगह से एक अगर हम उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल, तो उसकी संभावना क्या होगी कि 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव से टकराएगा, या 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव से टकरा सकता है ना, तो ये संभावना है इसमें। तो अब क्या होगा, इसलिए किसी भी दिशा से आप कोई प्रॉपर्टी को, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे तो वो समान आएगी। तो अक्रिस्टलीय पदार्थों में समदैशिकता पाई जाती है, या उसको कहते हैं हम आइसोट्रोपी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इनका फिक्स अरेंजमेंट, तो कभी ये प्योरली पॉजिटिव, कभी प्योरली नेगेटिव, कभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उससे टकरा करके और रे बाहर निकलेगी, तो इसलिए इनकी जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आ सकती है। तो इसलिए जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उसमें विषम देशिकता पाई जाती है, जबकि इनमें आइसोट्रोपी, इनमें आइसोट्रोपी पाई जाती है, क्रिस्टल सब्सटेंस में एनआइसोट्रोपी, ठीक है। अब आती है कूलिंग कर्व्स की बात। आपने देखा कि कूलिंग कर्व जो है डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले इधर कूलिंग कर्व्स दिखा रखे हैं आपको। तो इसमें देखोगे आप, ये क्रिस्टलाइन, इसको हमने कोई भी सब्सटेंस लिया, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ना, उसको हमने गर्म किया, ठीक है, तो और फिर जब वापस उसको हमने ठंडा किया, यानी पूरा पिघल गया, जब हम उसको वापस ठंडा करेंगे तो ये देखिए इधर ये ठंडा किया, ऊपर ये देखिए यहाँ पर टेम्परेचर टाइम है और यहाँ टेम्परेचर, तो इस वाले में टेम्परेचर हाई है, जैसे कोई भी अपना क्रिस्टल है उसको हमने 60 डिग्री तक गर्म कर लिया, मान लो ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो जब यहाँ से हम वापस नीचे आएंगे ठंडा करते हुए, ठीक है, और टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो आप देखेंगे कि वापस जब नीचे आएंगे तो जैसे 60 से 20 तक ये ठंडा हो रहा है लगातार, टेम्परेचर डाउन हो गया, ठीक है, कितने मिनट लगे, 40 मिनट्स में ये धीरे धीरे करके इतना ठंडा हो गया, 20 डिग्री पे आ गया। यहाँ पर आकर के आप देखेंगे तो आपका टाइम तो जाता जा रहा है, जैसे कि 40 से आपने 60 मिनट ले लिया, 80 मिनट्स भी ले लिए, आगे बढ़ते जा रहे हो, टाइम आप मेजर करते जा रहे हो, आप बैठ रहे हो देख रहे हो उसको, और जब यहाँ ठंडा होगा तो यहाँ टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं होगा, ए से बी जो ये कर्व है ना, जो कि डिसकंटिन्यूटी आ गई, ये कर्व कौन सा कहलाता है, कंटिन्यूस, कांच है, हमने पिघलाया, हमने कब ठंडा किया, ठंडा होता जाएगा, जम जाएगा, किसी भी टेम्परेचर पे वो जम सकता, क्योंकि इन चीज़ों में जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं होते उसमें इम्प्यूरिटीज भी होती, जब कांच का ग्लास बनता है ना, कुछ बड़ी कंपनी के ग्लास हैं जैसे जो बोरोसिल वगैरह के जिसपे अपने इक्विपमेंट बनते हैं, है ना, वो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो मेल्ट नहीं हो सकते, हम जिस पे टेम्परेचर पे गर्म करते हैं ना उस पे वो मेल्ट नहीं हो सकते, हाँ हमें उसमें कुछ और गड़बड़ी कर दें तो वो टूट सकता है, क्रैक हो सकता है, लेकिन वो मेल्ट नहीं होगा कि आपने उसको बर्नर पे रखा किसी फ्लास्क को और वो मेल्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन तो ये कर्व क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, मतलब सतत हो गया, कंटिन्यू। तो ये जो नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड का कर्व है, जो बी कर्व है किसका है, एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन का, ये बिल्कुल कंटिन्यूस कर्व है, इसमें कोई ब्रेक नहीं। ये ब्रेक क्यों आया, ये जो हम समझा रहे थे आपको कि यहाँ से ठंडा हुआ, टाइम जाता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर वही है जो 20 डिग्री है, उसी पे ए से बी तक ये कर्व चला, उसके बाद फिर वापस नीचे चला गया। अब इसका कारण यहाँ पे क्या हुआ, ए पॉइंट ए पे क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, और बी तक क्रिस्टलाइजेशन कम्प्लीट हो गया। अब जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी कि जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो आयंस वगैरह जमते हैं, जैसे कल मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि इनमें चार्ज होता है, आयन से चार्ज होगा तो, या नहीं भी होगा तो भी, अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल से बना हुआ क्रिस्टल होते हैं, कई इससे आयन्स से बने हुए क्रिस्टल्स हैं या एटम से बने हुए क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत ही नैनो पार्टिकल्स हैं, तो उनमें भी सब में एक फिक्स अरेंजमेंट होगा बिकॉज दे आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। तो उस क्रिस्टल्स को बनने के लिए ए से बी तक, अब यहाँ क्या आप कहोगे कि टेम्परेचर फिक्स क्यों है, उससे क्या मतलब हुआ, ठंडा तो हो ही रहा है लेकिन बैलेंस होता है यहाँ पर। आप तो कर रहे हो ठंडा, यानी कि यू आर नॉट गिविंग एनी एनर्जी फॉर हीटिंग। ठंडा करने का क्या मतलब हुआ, ये तो हुआ आपने मेल्ट करने के लिए तो एनर्जी दी थी, लेकिन उसको वापस ठंडा करने के लिए हम अब कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली ठंडा कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये क्रिस्टलाइजेशन में एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि आप अब जैसे हमारा कोई ग्रुप होता है, बच्चे बिखरे हुए रहते हैं, जब अब उनको एक लाइन में लाते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि भाई इनकी एक एनर्जी स्थिरता आ गई ना उस चीज में, जिस चीज में स्थिरता आ जाती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो वो एनर्जी क्या हुई, बाहर निकली। हम सब बच्चे दूर दूर तक बिखरे हुए थे, उन्हें हमने एक लाइन में जमा दिया, तो एक छोटी जगह में इकट्ठे हो जाते हैं ना, छोटे से मैदान में, जो पूरे कॉलेज में फैले हुए बच्चों को हम एक छोटे मैदान में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये उसी तरह से हुआ कि वो क्रिस्टल हमारा जब बनता है तो वो एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि अब आप में स्थिरता आ गई, तो आप जो भाग दौड़ कर रहे थे वो सारी एनर्जी है ना कम हो गई, तो जो भी स्थिरता होती है उसकी एनर्जी कम होती है, तो जो बची हुई एनर्जी बाहर निकली, तो आप तो ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उधर से आपको गर्मी मिल रही है, उधर से आपको उसको कहते हैं हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो बाहर निकल रही है, तो दोनों चीज मिलकर के एक बैलेंस आ जाता है, जिससे कि आपका टेम्परेचर कम नहीं होगा यहाँ पर, टेम्परेचर वही बना रहेगा चाहे आपका टाइम जाता जा रहा है। तो ये प्रोसीजर चल रहा है यहाँ पर किसका, क्रिस्टलाइजेशन का। तो आप सिर्फ ये जवाब नहीं है इसका कि क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है इसलिए ये जो कर्व है वो डिसकंटिन्यूअस है, नहीं, क्योंकि यहाँ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन में हमें ऊर्जा मिलती, ऊष्मा मिल रही है बाहर, है ना, तो हमें जो एनर्जी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो बाहर निकलती है, तो इसलिए हमें, क्योंकि वो जो हम ठंडा कर रहे हैं और उधर से अंदर से गर्मी मिल रही है, तो इस तरह से इसको समझाना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर वर्ड्स जो सेंटेंसेज हैं दैट यू कैन मेक अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, फिर आप इसको कभी नहीं भूलोगे, है ना, बाद में आपको रटना नहीं है कुछ भी, जो केमिस्ट्री में बिल्कुल रटने की कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लोग कहते हैं कि भाई रटनी पड़ती है, रटनी बिल्कुल नहीं पड़ती है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है वो, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कि जो ब्लॉक जहाँ लगेगा वहीं लगता है, दूसरी जगह लगा दोगे तो आपकी बिल्डिंग बनेगी नहीं, तो वही चीज सब में होती है, उसको हम किसी भी सब्जेक्ट खुद आसान और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आसान बना के लोगे तो कोई आपको कहीं भी रटने की जरूरत है, तो ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट हो गया है ना। तो ये आपकी समझ में आ गई कि ये डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का क्या मतलब होगा, ठीक है। तो अब आज थोड़ा आपको अगली क्लास में जाना है, तो कल हम और पूरी 1 आवर की क्लास ले लें।